बेहतरीन जिंदगी यही है कि इंसान का अच्छा रोजगार, मुनासिब रहन सहन और औलाद जैसी नेमत हमारे पास मौजूद हो। लेकिन अल्लाह की कुदरत है कि कुछ लोग औलाद जैसी नेमत हासिल नहीं कर पाते। औलाद, औलाद एक ऐसी नेमत है कि जिससे वालिदैन अपने वजूद को सिर्फ मुकम्मल ही नहीं समझते, बल्कि उसकी मोहब्बत में इतना असीर होते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो बोल भी नहीं सकता मगर वालिदैन को अनगिनत खुशियां दे देता है। लेकिन अल्लाह की कुदरत कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसी रुकावट आ जाती है कि बहुत से लोग ऐसी खुशियां नहीं हासिल कर पाते और मियां बीवी अपनी गोद की जरखेजी में देर को मायूसी बना लेते हैं और अपने आप को बांझपन का शिकार समझ लेते हैं। इनमें से बहुत से लोग तस्दीक के बगैर गैर मयारी इलाज करवाकर सचमुच बांझपन का शिकार हो जाते हैं। हमारे मुआशरे में औलाद के ना होने में 87% लोग औरत को कसूरवार ठहराते हैं, और यह तब भी होता है जब खवातीन के अय्याम में बाकायदगी भी हो और वो तंदुरुस्त और तवाना भी हो, जबकि मर्दों में से बहुत कम मर्द सिर्फ स्पर्म टेस्ट करवाकर अपने आप को हर तरह से तंदुरुस्त और तवाना और काबिले औलाद समझ बैठते हैं और फिर औलाद ना होने का कसूरवार औरत को ठहराते हैं। हालांकि कहानी यहां खत्म नहीं हो जाती। अमेरिका में मुकीम जदीद तरीन इलाज के माहिर मायानाज पाकिस्तानी नजात डॉक्टर इम्तियाज अहमद के मुताबिक सिर्फ स्पर्म टेस्ट से मर्दाना बांझपन को जांचना ना काफी है, क्योंकि डॉक्टर इम्तियाज अहमद जदीद रिसर्च के मुताबिक वेरिकुसील और उसके इलाज की बात करते हैं। यही नहीं बल्कि डॉक्टर साहब इस बीमारी का बगैर ऑपरेशन इलाज करने के माहिर हैं। कामयाब इलाज के बाद मरीज 3 से 4 घंटे में मुकम्मल तौर पर न सिर्फ ठीक हो जाता है बल्कि अपने घर भी चला जाता है। याद रहे कि इसका इलाज ऑपरेशन के जरिए भी किया जाता है, लेकिन ऑपरेशन और एनेस्थीजिया की कॉम्प्लिकेशंस के अलावा इस ऑपरेशन का फेलियर रेट बहुत ज्यादा है। यानी वो शादीशुदा जोड़े जो अरसा दराज तक सिर्फ औरत को बांझ समझकर औलाद के हुसूल से मायूसी इख्तियार कर लेते हैं, अब उनमें अगर मर्द भी अपना मुकम्मल मुआयना और इलाज डॉक्टर इम्तियाज अहमद से करा लें तो उनकी गोद भी जरखेज हो सकती है। लेकिन वेरिकोसील है क्या? डॉक्टर इम्तियाज अहमद के मुताबिक वेरिकोसील स्क्रोटम में सूजन वाली रगें हैं। इसमें हालत पैरों में वेरिकोज रगों की तरह है। रगें ऑक्सीजन के बगैर खून दिल तक ले जाती हैं ताकि नए ऑक्सीजन खून के खुलियों का तबादला किया जा सके। वेरिकुसील एक तरफ या खसिये की दोनों अतराफ हो सकती है। आम वेरिकुसील बीमारी, जिसे अक्सर टेस्टिकुलर वेरिसीज कहते हैं, आमतौर पर बाईं जानिब होता है। इस हालत से खसिये फैले हुए हो सकते हैं। आपका डॉक्टर इम्तियाज अहमद या उनके असिस्टेंट मुआयना करेंगे। तशखीस को कन्फर्म करने के लिए आपका डॉक्टर डॉपलर अल्ट्रासाउंड का हुक्म देगा कि वो स्क्रोटम में रग की तस्वीर लेगा और स्क्रोटम में सूजन की वजह की तस्दीक करेगा और आपका डॉपलर अल्ट्रासाउंड लिटा के और खड़ा करके किया जाएगा। डॉक्टर इम्तियाज अहमद के मुताबिक वेरिकुसील में ऐसी अलामत नहीं होती हैं जिनको फौरी तौर पर पहचाना ना जा सके। मर्दों को आम तौर पर यह एहसास नहीं होता कि उन्हें इस बीमारी का सामना करना पड़ता है जब तक कि डॉक्टर मुआयना ना करे। बाज़ औक़ात एक शख्स अपना स्क्रोटम को बढ़ा हुआ महसूस कर सकता है लेकिन तकलीफ दे नहीं, या महसूस होता है कि उसके खसिये ज्यादा भारीपन या गर्मी महसूस करते हैं। वेरिकुसील में ऑक्सीजन के बगैर गंदे खून के दबाव और टॉक्सिक रेडिकल्स की वजह से टेस्टिस सुकड़ सकता है और हमेशा के लिए नकारा हो सकता है। ताहम डॉक्टर इम्तियाज अहमद के मुताबिक अगर आपको अपने खसियों में वेरिकोज रगों की कुछ अलामत महसूस होती हैं तो आपको दर्द सेल का तजुर्बा हो सकता है। एक खसिये में अचानक नर्म गिल्टी या गांठ नमूदार होना, स्कॉट्रम सूज जाता है और जब दबाया जाता है तो उसमें तकलीफ महसूस होती है, टेस्टों में खून की रगों की लाइन तोसी होती है या लकीरें भी मुड़ जाती हैं, लंबे अरसे तक दर्द रहता है या फिर तकलीफ देता है, पेशाब करते वक्त, चलते फिरते, सोते हुए, यहाँ तक के जिंसी ताल्लुकात के दौरान भी जब आपको दर्द महसूस होता है तो इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। इस मसले के लिए डॉक्टर की तशखीस ज़रूरी है। अगर आप औलाद के हुसूल में परेशान हैं और इनमें से चंद अलामात का सामना भी कर रहे हैं तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जदीद रिसर्च के मुताबिक शादीशुदा जोड़ों में 43% मर्द बांझपन का शिकार होते हैं, जिसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है।
क्योंकि मर्द जिंसी ताल्लुकात से तो भरपूर अंदाज से लुत्फ हो रहे होते हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में मर्द अपनी मर्दानगी के हवाले से किसी किस्म की राय लेने को तैयार नहीं होते, जिसकी वजह से औरत की ज़िंदगी भी सूखे फूल की मानिंद पड़ जाती है और वो भी औलाद की नेमत से महरूम हो जाती है। और अगर मान भी लें कि मर्द हजरात में ये बीमारी पाई जा रही है तो उसका इलाज सिर्फ जदीद तरीके से ही किया जा सकता है। और अमेरिका में मुकीम डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद, जो कि 27 सालों से वहाँ मुकीम हैं और इन्हीं बीमारियों पे न सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं बल्कि इस इलाज के माहिर माने जाते हैं, जो कि अमेरिका में दुनिया भर के लोगों का कामयाब इलाज कर चुके हैं और तकरीबन हर माह बाद सिर्फ चंद दिनों के लिए पाकिस्तान अपने हम वतनों के इलाज और खिदमत के जज्बे से आते हैं। ये जदीद तरीन तरीका इलाज, जिसे डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद ने सबसे पहले मुतारिफ करवाया है, इस इलाज में किसी किस्म का इंसीजन यानी कट लगाया नहीं जाता और न ही मरीज को मुकम्मल बेहोश और वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया जाता है। इस प्रोसीजर में एक खास ट्यूब आपकी रान या गर्दन की वेन से आपकी वेरिकुसील तक एक्सरे और डाई की मदद से पहुंचाई जाती है। और वेरिकुसील को खास दवाई, जो कि बाकायदा FDA से अप्रूव्ड है और जिसके इस्तेमाल की इजाज़त सिर्फ चंद डॉक्टरों को है, की मदद से हमेशा के लिए मुकम्मल बंद कर दिया जाता है। आपकी रिकवरी 3 से 4 घंटों में हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस इलाज का टेक्निकल सक्सेस रेट सर्जरी और दूसरे इलाज के मुकाबले में 99 से 100% तक है। ये एक जदीद तरीन और आसान इलाज है जो आउट पेशेंट बुनियादों पर किया जाता है। इस प्रोसीजर के बाद रिकवरी में भी आम तौर पर तवील वक्त की जरूरत नहीं होती। सिर्फ 3 से 4 घंटे बाद आप अपने घर जा सकते हैं और उसके बाद मरीज को किसी किस्म की ताहयात दवाइयों और ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। यानी कि आज अगर आपका इलाज हो तो कल से आप अपनी मामूल की जिंदगी को ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इंशाल्लाह फिर जल्द ही आप औलाद की नेमत से मालामाल हो सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में वो सब रंगो नूर देख सकेंगे जिसका आपको अरसे दराज तक इंतज़ार रहा। डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद के मुताबिक अगर आपको टेस्टिस में वेरिकोस रगे हैं और आपको मंदरजा ज़ैल मसाइल हो रहे हैं तो आपको हिचकिचाहट के बगैर इलाज के लिए फौरी राबिता करना चाहिए। दुनिया भर में औरतों और मर्दों के बांझपन का इलाज करने के माहिर डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद की हमेशा यही कोशिश रही है कि लोग इलाज की गर्ज से उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा करें। आप बिना किसी खौफ और झिझक डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद से राबिता कर सकते हैं। आप अपनी वेरिकोज वेन का अल्ट्रासाउंड और दीगर रिपोर्ट व्हाट्सएप करें 0331-2597-322, 0330-296-3300। डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद अमेरिका से मुफ्त मशवरा देते हैं। फीस और दीगर अखराजात केस अप्रूव होने के बाद बताए जाते हैं। हमारी रजिस्ट्रेशन शुरू है और जल्द मुकम्मल होने वाली है। अपॉइंटमेंट के लिए राबिता करें 0331-2597-322। हमारा कॉल सेंटर सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे रोजाना खुलेगा, माँ सिवाय बरोज इतवार नागा। हमारे 2 अस्पताल हैं। नंबर 1 OMI हॉस्पिटल, 89-1 डिपोर्ट लेन्स, MA जिना रोड, कराची। नंबर 2 हमीद लतीफ अस्पताल, ये अस्पताल कजाफी स्टेडियम के सामने वाके है, 14 अबू बकर ब्लॉक, न्यू गार्डन टाउन। डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद की लेटेस्ट वीडियोस देखने और आपके सवालात और उनके जवाबात न्यूयॉर्क अमेरिका से बराह रास्त लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फौरी सब्सक्राइब करें।